गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत अच्छा मौसम हो रहा है और मैं अपने आसपास का आपको व्यू दिखा रही हूँ। बहुत सुंदर दिख रही है, ग्रीन ग्रीन घास वगैरह, और कितनी बारिश हुई है, पानी कितना भरा हुआ है, तो देखिए भी देख पाती हूँ सब। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, एक बार आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको चैनल पे बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो जब भी आप वीडियो देखें चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखिए ये हमारा पार्क है, इसमें कितनी ग्रीन ग्रीन धुली हुई घास दिखाई दे रही है, और उससे आगे जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ पे पानी इतना तो ग्राउंड पे भरा हुआ है। और अभी मैं आपको दूसरी विंडो से दिखाती हूँ सड़क पे हमारे सामने कितना पानी भरा। और अपने आसपास का एरिया दिखाने के बाद मैं आप किचन में क्या क्या बनाऊंगी आपके साथ शेयर करूंगी। तो पहले मैं अपने दोनों तीनों साइड के घर के आसपास का माहौल दिखा रही हूँ, और अभी आपको पास से दिखाती हूँ कितना पानी भरा हुआ है। अब आपको दिखाते हैं नोएडा में कितना पानी भर रहा है सारा रात भर की बारिश के बाद। ये देखिए ये सोसाइटी के बाहर ही कितना पानी है, देखिए आप पूरी सोसाइटी के बाहर पानी पानी हो रहा है, तैर के चल रही है गाड़ी। यहाँ तक पूरा पानी पानी भरा हुआ है, थोड़ा यहाँ पे सही रोड आई है। सड़क के दोनों तरफ खूब लबालब पानी भरा हुआ है, पूरी रात बारिश हुई है, तो इसके बाद कितने घंटों में पानी उतरेगा। ये देखिए एंट्री कर रही हैं और डर रही हैं बेचारी पानी में जाने से। देखो हमारी गाड़ी भी, और दूसरी गाड़ी के पहिए देखिए कहाँ तक डूब चुके हैं। देखिए क्या हाल है पानी का, गाड़ी का पता नहीं है पहुंचेगी भी वहां तक या नहीं, हमें भी डर लग रहा है। दोनों तरफ ये दूसरी साइड है और ये दूसरी साइड है, दोनों साइड पूरा पानी भरा हुआ है। देखिए उधर दूसरी साइड का तो पता भी नहीं है कितना पानी होगा, बहुत ही लग रहा है। ये देखिए हमारे गेट के बाहर भी काफी पानी है, हम सही सलामत आ गए हैं वैसे। और चलिए अब चलते हैं सोसाइटी में। और रात भर की बारिश के बाद पानी का नजारा देखने ही हम गए थे, अब घर आ गए हैं। और अभी हम सामान लेने गए थे कुछ थोड़ा, तो आपको दिखाया बारिश का नजारा, अब आ गए हैं अपने घर, करते हैं अपनी दिन की शुरुआत। रखे हैं मैंने काले चने की सब्जी, आज कुछ स्पेशल मैं बनाऊंगी, तो इसको भी मैं बॉईल कर रही हूँ।
उबलने रख दिए हैं। और ये बना रही हूँ मैं छील के बैंगन। बैंगन के लिए मैं मसाला भून रही हूँ, उसमें डाला है मैंने तेल और प्याज लहसुन और जो कुटा हुआ मसाला मैंने एक दिन आपके साथ शेयर किया था वो भी मैं सूखी सब्जी में डालती हूँ। और चने से नाश्ता बनाया है और सब्जी वगैरह सब बन गई हैं, लंच भी बना दिया है और अब थोड़ी देर आराम करेंगे, शाम में वीडियो शेयर करती हूँ। और ये हमारा खाना तैयार है, स्वादिष्ट अच्छी रेसिपी के साथ हमने तैयार किया है और खा के बताते हैं कितना टेस्टी है। खाना बहुत ही सिंपल और स्वादिष्ट है। और अब आगे मैं क्या करती हूँ, आपको कुछ पिक्चर्स भेजती हूँ जो कि मैंने निकाली हैं शादी से रिलेटेड। अभी मैं बताती हूँ भाई कैसे हमने कोरोना की जल्दबाजी में शादी को पूरा किया छोटे छोटे प्रोग्राम्स के साथ। सबसे पहले दिखाती हूँ मैं आपको लगुन की पिक। ये होता है सबसे पहले प्रोग्राम लगुन का, उसके बाद हल्दी मेहंदी। तो उनकी पिक्चर मुझे मिलती है तो मैं आपको अभी खाती हूँ उसके साथ। इनके बाबा को दूंगी सोने की लड़ी, इनके ताऊ को दूंगी सोने की लड़ी, कब से सोने कटोरे में खोले खड़ी। मानसी का बात ही है, मुझे नहीं आता। मेरी आगे दिखाती हूँ सेकंड ब्लॉग में। और तब तक के लिए बाय बाय।